जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वे गेट को फांदकर अंदर पहुंच गए। आइए जानते हैं पूरा मामला। 11 अक्टूबर को लोकनायक जय प्रकाश नारायण की जयंती पर राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी और जिला प्रशासन के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जेपी की जयंती के मौके पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ स्थित जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे, जहां प्रवेश को लेकर संग्राम खड़ा हो गया। जिला प्रशासन ने जेपीएनआईकी में निर्माण कार्य का हवाला देते हुए प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। इतना ही नहीं, गेट पर ताला लगा दिया गया था। बावजूद इसके अखिलेश यादव अपने लाव लश्कर के साथ जेपीएनआईसी पहुंचे। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वे गेट को फांदकर अंदर पहुंच गए। अखिलेश ने जय प्रकाश नारायण को याद करते हुए माला पहनाकर और हाथ जोड़कर फूल भी चढ़ाई। पत्रकारों पर नाराज अखिलेश यादव बैरिकेडिंग के ऊपर से जाने पर सवाल पूछने पर अखिलेश यादव गुस्सा हो गए और कहा, आप कानून तोड़ने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भारी बजट मिल रहा है। क्या आपके चैनल को भारी विज्ञापन नहीं मिल रहा है? आप पत्रकार हैं, ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि हर साल यहाँ पर समाजवादी माल्यार्पण करने आते थे? आखिर इस बार क्यों रोका गया? आखिर सरकार टीन लगाकर क्या छुपाना चाहती थी? करोड़ों रुपयों के स्मारक को बर्बाद कर दिया गया। करोड़ों रुपयों की मशीन यहां पर खराब हो गई। क्या सरकार इसको छुपाने के लिए यहां पर टीन शेड लगा रही है? यह सरकार तो वसूली करवाकर भरपाई करती है। क्या जेपीएनआईसी में जो नुकसान हुआ है, क्या मुख्यमंत्री उसकी भरपाई अपने वेतन से करेंगे? अब इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।